My name is Nahida, and the topic I am going to present is functional anatomy of mouth and salivary secretion. Functional anatomy of mouth. Mouth is also known as oral cavity or buccal cavity. इसके अंदर हमारे पास cheeks, lips, palate और साथ में enclose करता है teeth, tongue और salivary glands को. इस diagram से आप लोगों को सही समझ आ जाएगी. जो ओरल कैविटी है इसमें हमारे पास लिप्स आ जाते हैं, गम्स, दो टाइप ऑफ पैलेट हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, और टंग आ जाती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसिजर. ये सारे जो है ये ओरल कैविटी में आते हैं. डाइजेस्टिव जूस जो है प्रेजेंट है माउथ में वो है सलाइवा. सलाइवा सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को. और सलाइवा को हम लोगों ने पढ़ा कि इसके मेन जो फंक्शन है तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी फूड जो है उसको लुब्रिकेट करता है ताकि फूड आपस में मिक्स हो, सही तरीके से मिक्स हो सके और वो स्वेलो इजीली हो सके. दूसरा जो है इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे सलाइवरी एमाइलेज हो गया, तो ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वगैरह में. सो इसमें एंजाइम्स भी होते हैं और साथ में स्वेलिंग में भी हेल्प करते हैं सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है. तो फंक्शन ऑफ माउथ, तो ये जो फंक्शंस मैंने लिखे हैं ये माउथ के हैं. मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन क्या है? ये चीविंग ऑफ फूड है. सो मेस्टिकेशन में कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है टीथ. टीथ जो है वो कट करेगा, ग्राइंड करेगा फूड को. उसके बाद जो लिप्स और चीक्स हैं ये फूड को होल्ड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टंग. उसके बाद जो मसल्स होते हैं हमारे माउथ में जो कि मेसेटर्स और टेम्पोरेलिस हैं, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. ये जॉ मूवमेंट के साथ जो है ये मिलकर हेल्प करते हैं इन चीविंग, ताकि फूड जो है वो प्रॉपरली च्यू हो सके और साथ में मिक्स हो सके सलाइवा के साथ. और जो सलाइवा है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेट करता है, सॉफ्ट करता है, यानी फूड को फैसिलिटेट करता है ताकि वो इजीली जो है वो हम उसे च्यू कर सकें. टेस्ट जो है, हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टंग में. और भी स्ट्रक्चर्स हैं माउथ में जहाँ पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. टेस्ट बड्स होते किस लिए? ताकि हम लोग फूड को अप्रिशिएट कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें टेस्ट ऑफ फूड को. और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीच. माउथ जो है ये कोऑर्डिनेट करता है लैरिंग्स के साथ, फेरिंग्स के साथ, लिप्स और टंग के साथ ड्यूरिंग स्पीच. लैरिंग्स के साथ क्योंकि लैरिंग्स में हमारे पास वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि वॉइस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. इसी तरह ब्रीथिंग में भी जो है वो माउथ हेल्प करता है. अगर किसी वजह से नोज़ के थ्रू ब्रीदिंग नहीं हो सकती या रनिंग है, ड्यूरिंग रनिंग या एक्सरसाइज के वक्त जो है हम लोग जो है माउथ के थ्रू भी जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह जो माउथ है वो ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है. सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और जो कुछ जो है वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. यानी ह्यूमन का जो सलाइवा है उसको तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स और कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं. मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास आ जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स. पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स जो है आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इट इज सिचुएटेड एट द साइड ऑफ फेस जस्ट बिलो एंड फ्रंट ऑफ ईयर. आप लोगों को इस डायग्राम से अच्छी समझ आ जाएगी. पैरोटिड ग्लैंड का जो साइज़ है ये भी बड़ा है और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि लार्जेस्ट है सलाइवरी ग्लैंड से. और ये कहाँ प्रेजेंट है? फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है, जस्ट बिलो द फेस एंड फ्रंट ऑफ द ईयर पर प्रेजेंट है. इसका जो वेट है वो है 20-30 ग्राम एडल्ट में. अब आप लोग देखें पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट जा रही है टूवर्ड्स द ओरल कैविटी. इस डक्ट को कहते हैं स्टेंसन डक्ट, यानी पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा आएगा वो स्टेंसन डक्ट के थ्रू जाएगा और जो एम्प्टी कहाँ होगा, इनटू द ओरल कैविटी. सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स,
इसकी लोकेशन जो है कहाँ है? सब मैगजिलरी ग्लैंड को सबसे पहले हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। मैगजिला जो है ये अपर जॉ को कहते हैं और जो मैंडिबल है ये लोअर जॉ को कहते हैं, ठीक है। सो ये सब मैगजिलरी ट्राइंगल मीडियल टू द मैंडिबल इसकी लोकेशन है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में ब्लू कलर का मेंशन हुआ है सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। तो जो सब मैगजिलरी ग्लैंड है ये इधर प्रेजेंट होते हैं इन सब मैंडिबुलर ट्राइंगल इस रीजन में। वेट जो है इसका है 8 to 10 grams। डक्ट जो है कौन सी डक्ट है जो कि सब मैगजिलरी ग्लैंड से जो सलाइवा है वो ओरल कैविटी में एम्पिटी करती है, तो वो है वाटसन डक्ट। यानी जो वाटसन डक्ट है वो ओरल कैविटी में सलाइवा को एम्प्टी करती है फ्रॉम द सब मैगजिलरी ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है? ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? म्यूकोसा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट है और सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा वो है पैरोटिड और सबसे स्मॉलेस्ट जो है ग्लैंड वो है सब लिंगुअल ग्लैंड। इसका जो वेट है वो है 2 to 3 grams। जो डक्ट है जो कि यहाँ से सलाइवा लेकर जाती है इनटू द ओरल कैविटी यानी सब लिंगुअल ग्लैंड से सलाइवा जो है जो डक्ट लेकर जाती है टुवर्ड्स द ओरल कैविटी उसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। यहाँ पे समरी है कि कौन से ग्लैंड जो है वो किस डक्ट के थ्रू टुवर्ड्स द ओरल कैविटी जाता है। सो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो थ्रू द स्टेंसन डक्ट जो है वो ओरल कैविटी की तरफ जाता है। इस तरह सब मैंगजिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को हम ग्लैंड्स को कहते हैं ये वाटसन डक्ट के थ्रू जो है ये जाता है टुवर्ड्स द ओरल कैविटी। इसी तरह सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये डक्ट ऑफ रेविनस या बार्टोलिन डक्ट जो है इसके थ्रू जाता है टुवर्ड्स द ओरल कैविटी। इसमें दोबारा देखें पैरोटिड ग्लैंड जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, मेजर हम लोगों ने पढ़े कि 3 pairs हैं। अब माइनर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें आ जाते हैं लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स, लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स, बकल ग्लैंड्स, लेबियल ग्लैंड्स, पैलेटल ग्लैंड्स। लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बिहाइंड द सर्कमवैलेट पैपिला एंड एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ टंग। ये वाले जो यानी जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट है सर्कमवैलेट पैपिला ये डिफरेंट रीजन्स है ऑफ द टंग। जैसे फंगी यहाँ पे पैपिला प्रेजेंट है जैसे सर्कमवैलेट पैपिला, फंगी फॉर्म पैपिला, फिली फॉर्म पैपिला, फोलिएट पैपिला। सो ये सारे जो है ये टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड है ये जो मार्जिन है यानी जो टिप ऑफ द टंग है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और सर्कमवैलेट पैपिलाई के पीछे प्रेजेंट है बिहाइंड द सर्कमवैलेट पैपिलाई। लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स ये दूसरे टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं। लिंगुअल सीरस ग्लैंड जो है ये सर्कमवैलेट के नियर प्रेजेंट होते हैं और फिलीफॉर्म के करीब प्रेजेंट होते हैं। जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड है जो उन्होंने पहले पढ़ा वो बिहाइंड द सर्कमवैलेट पैपिलाई के प्रेजेंट है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स ये नियर टू द सर्कमवैलेट पैपिला और फिलीफॉर्म पैपिला जो है इसके करीब है। बकल ग्लैंड्स, जो बकल ग्लैंड्स है ये कहाँ पर है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ द चीक्स और माउथ में, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ऑरिफिस ऑफ द माउथ, ठीक है। ये हम लोगों ने जो बकल ग्लैंड पढ़ा वो इन द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है, ठीक है। और जो लेबियल ग्लैंड है ये बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन है अराउंड द ऑरिफिस ऑफ माउथ ओपनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। ऑरिफिस जो है वो ओपनिंग को कहते हैं। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा, ये भी थोड़ी अमाउंट में सलाइवा जो है प्रोड्यूस करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं मॉइस्चर टू द लिप्स, ठीक है। पैलेटल ग्लैंड्स आर फाउंड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि दो टाइप के पैलेट होते हैं,
हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, तो जो पैलेटल ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट है बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। वॉल्यूम ऑफ सलाइवा 1000 ml टू 1500 ml जो है सलाइवा सिक्रीट होता है पर डे, और ये अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 ml पर मिनट है। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड्स में कितनी कंट्रीब्यूशन है इन ग्लैंड्स की। सबसे ज़्यादा हम जो है कंट्रीब्यूशन सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स करते हैं 70%, लेकिन जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो फिर भी पैरोटिड ग्लैंड ही है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो 25% जो है सिक्रीशन करता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है इसकी 70% कंट्रीब्यूशन है सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस में, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये 5% जो है सलाइवा को सिक्रीट करता है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, अब सलाइवा जो है वो बना किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। 95.5% जो है ये वाटर से मिलकर बना है। वाटर में हमारे पास जो है आ जा 95.5% इसमें हमारे पास वाटर है। उसके बाद हमारे 0.5% जो है वो सॉलिड्स आ जाते हैं। सॉलिड में हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं और गैसेस आ जाते हैं। एंजाइम्स के कुछ हम एग्जांपल देते हैं जैसे कि एमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेस, लाइसोजाइम। सो ये सारे जो हैं ये 0.5% सॉलिड्स में आते हैं। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे म्यूसिन, एल्ब्यूमिन हो गए, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे जो हैं ये 0.5% सॉलिड में आते हैं। गैसेस में कौन कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो ये जो सारे जितने हैं ये 0.5% सॉलिड जो है उसमें कंट्रीब्यूशन है इसकी, और जो 95.5% है ये वाटर है। नॉर्मली जो है ग्लूकोज जो है ये एब्सेंट होता है सलाइवा में, बट इट इज़ फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, नॉर्मली जो हेल्दी लोग होते हैं उनके सलाइवा में ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन जो जिनको डायबिटीज मिलिटस हो उनके सलाइवा में ग्लूकोज होता है। जिसको दोबारा देखें, जो मिक्स सलाइवा है उसके अंदर 95.5% वाटर है और 0.5% जो सॉलिड है उसके अंदर इंजाइम्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस गैसेस भी आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के फंक्शंस क्या हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन, सलाइवा जो है इसके मेन जो है वो 3 एंजाइम हैं, सलाइवरी एमाइलेज, माल्टेज और लिंगुअल लाइपेस। सलाइवरी एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जो कुक्ड फूड होता है ये उसमें से, यानी जो हम लोग फूड खाते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट की फॉर्म में होता है, तो इसको कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोस। माल्टोस क्या है, ये मोनोसेकेराइड है, जो सिंपल यूनिट है शुगर्स की उसमें कन्वर्ट करता है। ऑप्टिमम जो पीएच है सलाइवरी एमाइलेज के लिए वो है 6। सो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये सेलुलोज पे एक्ट नहीं करता। ठीक है, माल्टेज, माल्टेज जो है इसके नाम से हमें जाहिर होता है कि माल्टोज पे एक्ट करेगा और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। लिंगुअल लाइपेस, लाइपेस के भी नाम से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सो लिंगुअल लाइपेस जो है ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में और डाई एसाइल ग्लाइसरोल में। लेकिन इसका ये जो अपना फंक्शन है ये ओरल कैविटी में नहीं करता, जस्ट यहाँ से सिक्रीट होगा। साथ में हेल्प इन क्लीनिंग द माउथ एंड हैज टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। ठीक है, और प्रिवेंट टू डीके। जो हमारी सलाइवा होती है इसमें एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम, जो कि क्लीनिंग ऑफ द माउथ में हेल्प करते हैं, साथ में ये जर्म्स वगैरह से जो है वो प्रिवेंट भी करता है। सलाइवा जो है लुब्रिकेट करता है फूड को ताकि स्वेलिंग ईजीली हो सके। इस तरह जो एंजाइम है पिटाइलिन जो है ये, जो कि एमाइलेज है,
इसका जो दूसरा नाम है वो एमाइलेज, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज. स्टार्च जो है इट इज़ पॉलीसेकेराइड, माल्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड है. ठीक है. सलाइवा एड्स द फॉर्मेशन ऑफ बोलस. सलाइवा की वजह से जो बोलस जो है बनता है. बोलस क्या चीज़ है? बॉल लाइक मिक्सचर ऑफ फूड दैट इज़ मिक्सड इन द माउथ विद सलाइवा. ठीक है. सलाइवा ऑल्सो लुब्रिकेट एंड मॉइस्टन द इनर लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी विद द सर्फेस ऑफ द टंग. रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सेक्रेशन. सलाइवरी सेक्रेशन जो है ये रेगुलेट होती हैं बाई नर्वस मैकेनिज्म. ठीक है. थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. तो सलाइवरी रिफ्लेक्स जो है ये दो टाइप्स के हैं, अनकंडीशन रिफ्लेक्स और कंडीशन रिफ्लेक्स. ठीक है. ये दो टाइप की जो है वो सलाइवरी सेक्रेशन जो है उसके रिफ्लेक्सेस हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स. जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स है ये प्रेजेंट होता है एट द बर्थ. ठीक है. ये तब होता है जब भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस जो है वो माउथ में ले लेते हैं, यानी जो चीज़ हमारे माउथ में आ जाए उसके बाद जब स्टिमुलेशन होती है नर्व एंडिंग्स में जो कि हमारे म्यूकस में ब्रेन में होते हैं ओरल कैविटी में, उसके बाद जो सिक्रीशन होगी सलाइवा की उसको कहते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स. यानी कोई चीज़ जब हम मुंह में लेकर जाते हैं उसके बाद जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, ओरल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो नर्व एंडिंग्स होंगी वो स्टिमुलेट होंगी, जिसकी वजह से वो जो हैं सलाइवरी ग्लैंड को सिक्रीट करती हैं. तो इसको कहते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स. ठीक है. और अनकंडीशन रिफ्लेक्स जो है ये अनलर्न रिस्पॉन्स है और ये स्टिमुलस की वजह से होता है. स्टिमुलस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट को हम लोग कह सकते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स. कंडीशन रिफ्लेक्स जो है ये एक्वाइर्ड होती है बाय एक्सपीरियंस. ठीक है. और इसको प्रीवियस एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है. ठीक है. जब हम लोग फूड जो है, इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि हम लोग फूड जो है वो माउथ में लेकर जाएं, जस्ट अगर हम उसको देख लें या स्मेल कर लें या उसके बारे में सुन लें या उसके बारे में कोई भी थॉट आ जाए, उसके साथ जो हमारा सलाइवा जो है वो सिक्रीट होगा उसको कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स. ठीक है. सो अनकंडीशन रिफ्लेक्स में जो है वो फूड माउथ में प्लेस होना चाहिए, यानी फूड जो है वो माउथ में होगा तब जो सिक्रीशन होगी सलाइवा की वो अनकंडीशन रिफ्लेक्स की वजह से होगी. और जो कंडीशन रिफ्लेक्स में, इसमें ज़रूरी नहीं है कि फूड जो है वो हमारे माउथ में हो, जस्ट उसके कोई भी फूड है उसका अगर हम लोग नाम ही सुन लेते हैं या देख लेते हैं या उसके बारे में सोच लेते हैं तब भी जो सिक्रीशन हमारे मुँह में सलाइवा आ जाता है, तो उस सिक्रीशन जो है वो सिक्रीशन जो है वो कंडीशन रिफ्लेक्स है. ठीक है. थैंक यू.